हाय फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हैंगिंग बास्केट्स को हम किस तरीके से तैयार करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने ये दो हैंगिंग बास्केट रखे हुए हैं। तो हैंगिंग बास्केट को तैयार करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसमें ड्रेनेज होल है कि नहीं। अगर आप जो लेकर आए हैं हैंगिंग बास्केट, अगर उसमें पहले से बना हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बना हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर किसी भी गर्म चीज़ की सहायता से यहाँ पर हम पहले एक ड्रेनेज होल बना लेंगे। ये देखिए, मैं जो हैंगिंग बास्केट लाई हूँ इसमें तो नहीं बना है, तो इसमें क्या करेंगे पहले हम बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने सोल्डरिंग मशीन की सहायता से अपने दोनों ही हैंगिंग बास्केट्स में एक ड्रेनेज होल बना लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें इसमें क्या करना है कि इस ड्रेनेज को बंद कर देंगे। बंद करने के लिए या तो अगर ठिकरी है तो ठिकरी का यूज़ करिए, नहीं तो ये देखिए जिस तरह मैं कपड़े का यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से आप भी उसमें इस तरह से नीचे रख लीजिए। इस तरीके से रखने के बाद आप, अगर आपके पास नारियल का छिलका है तो उसको छोटा छोटा तोड़ के रख लीजिए। मेरे पास कुछ सूखी हुई लीव्स रखी हुई हैं, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको पहले ही नीचे बिछा लूँगी। इससे क्या होगा, ये तो एक लाइट वेट भी है, ज़्यादा हमारा हैंगिंग बास्केट है उसमें वेट भी ज़्यादा नहीं होगा, और ये बार बार जब इसमें पानी पड़ेगा तो ये क्या होगा कि सड़ के एक खाद बन जाएगी, तो ये भी हमारे पौधे के लिए अच्छी रहेगी। ये देखिए, नीचे हमने क्या किया है, इसमें लीव्स को रख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अगर आपने मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसमें ज़रूर देखिएगा कि हैंगिंग बास्केट्स में हम कौन सी खाद या कौन सी मिट्टी का यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने कोकोपेट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट को मिक्स किया है। तो आप भी, अगर आपके पास कोई और भी कंपोस्ट है, नीम खली या फिर पत्तियों की कोई कंपोस्ट है सड़ी हुई पत्तियों की, तो आप उसको भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को मिलाया है। तो अब हम इस बास्केट्स में पहले इसको भर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, इस तरीके से हमने क्या किया, अपने दोनों हैंगिंग बास्केट्स में हमने मिट्टी को, या जो हमने जो भी मिट्टी इसके लिए बनाई है उसको हमने फिल कर लिया। अब हम इसमें पौधे को लगाते हैं। ये दो पौधे जो मैंने मिट्टी में पहले से ही ग्रो करने के लिए इसकी कटिंग को रख दिया था, इसको हम इसमें लगाएंगे। इसको लगाने के लिए पहले इसमें अच्छे से गैप कर लेंगे, इस तरह से इसमें छेद कर लिया। उसके बाद इसमें हल्की सी मिट्टी लगी हुई है क्योंकि इसको मैंने पहले ही ग्रो कर लिया था, इसलिए इस तरीके से इसको लगा लिया। और इसमें काफ़ी स्पेस है इसलिए एक और यहीं पे लगा लेंगे इस तरह। इसके में भी इस तरह से जगह बना लिया और इसको भी यहाँ पे इस तरह से लगा लिया। अब जब ये ग्रो करेगा तो ये बिल्कुल बाहर अच्छे से हैंग करेगा और ये इस साइड से हैंग करेगा, तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब हम इस वाले हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे। ये मेरे पास कुछ मनी प्लांट्स की कटिंग्स हैं, तो इसमें हम मनी प्लांट्स को ग्रो करेंगे। सबसे पहले इसके नीचे की थोड़ी सी लीव्स को तोड़ लें। ये ग्रो करना है इसलिए जो इसकी रूट है वो हमें ज़रूर से ज़रूर चाहिए कि इसमें रूट इसकी रहे। अब इसको ग्रो करने के लिए पहले ही बीच में हम इसको इस तरह से कर लेंगे छेद। अब हम इसमें अपनी कटिंग्स को लगाएंगे।
ये देखिए इसमें हमने अपनी मनी प्लांट्स की जो कटिंग्स हैं उसको भी इस तरीके से लगा लिया है। अब जब ये ग्रो करेगा तो ये पूरा नीचे की ओर और ऐसे साइड से पूरा हैंग करेगा, पूरा नीचे की ओर, तो ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। अब हम इसमें पानी देंगे। पानी देने के लिए हमें बहुत फोर्स के साथ इसमें पानी नहीं देना है, इसमें बस हमें हल्के हल्के पानी दे देना है, क्योंकि इसमें कोकोपीट है वो पानी को वैसे ही बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें पता भी नहीं चलेगा हमें कि कितना पानी पड़ गया, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से पानी दे देंगे चारों तरफ से, बस हल्का हल्का इस तरह पानी दे दीजिए। अब इसे काफ़ी समय तक हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोकोपीट उसको एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेगा। तो इस तरीके से आप भी अपने घरों में इस तरह से हैंगिंग बास्केट्स तैयार करिए, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो जो इसका अपडेट होगा उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो आप भी इस तरह से अपने पौधों को तैयार करिए, और आपका क्या फीडबैक होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।